वो हमारे नहीं है, हमारी तस्वीरें उनके साथ दिखाई गई थी, अगर याद हो आपको, याद है नहीं है उन्हें आपको, वो हमारे नहीं है, लेकिन हम उनके साथ इसलिए खड़े थे कि सरकार झूठ बोले, इसलिए हम उनके साथ खड़े थे। अभी जो बलवंत की हत्या हुई, हम इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमारी पार्टी का साथ दिया या नहीं दिया, हम समाजवादी लोग बलवंत सिंह के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि बलवंत सिंह के साथ अन्याय हुआ और उसने मां पाकर कभी जान लेने, इसलिए हम उनके साथ खड़े। हो सकता है हम लोग उस समय न बोले हों जिस समय बुलडोजर चला, लेकिन क्या आज दुनिया में ये तस्वीरें जाए कि एक बुलडोजर गिरे के ऊपर चढ़ा, झोपड़ी में आग लग गई, मां बेटी की जान चले गई और पिता बेचारा रोता रोता हुआ देख रहा, तड़पते तड़पते मां बेटी की जान चले गई। क्या इन बातों को हम और आप लोग भूल सकते हैं क्या? यही सरकार के लोग 302 से 304 करना चाहते थे जिससे अपने लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जैसे मेरे भनक पड़ी कि समाजवादी लोगों को जानकारी हो गई है, वो 304 नहीं कर पाए, 302 की धारा 302 बनी रही और हमें उम्मीद है एक न एक दिन वो अधिकारी जेल जाएंगे। जिनका आप नाम लेते थे दुनिया के नंबर दो पर, वो न केवल हवाई जहाज और एयरपोर्ट ले रहे हैं बल्कि वो हमें और आपको आटा और तेल भी खिला रहे हैं। जो आटा आप कभी कभी खाते होंगे उन्हीं की कंपनी का हो सकता खाते हो, जो तेल हम लोग कभी कभी खाते हैं चाट की दुकान पर या और कहीं दुकान पर या शादी बारात में, तो हो सकता उन्हीं का तेल हो। तो क्या सपना दिखा रहे थे कि उद्योगपति कहां पहुंच जाएंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे उद्योगपति होंगे, वो बताओ 2 नंबर से कहां पहुंच गए हैं, कोई हिसाब है कि नहीं है हिसाब उनका? उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने उस समय के अधिकारियों को जेल भेज दिया था, लेकिन बताओ अडानी कंपनी में पैसा लगाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इशारा किया था सरकार ने, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? SBI का पैसा अडानी के पास, आपके LIC का पैसा अडानी के पास, बहुत सारी सरकारी संस्थाएं या बैंकों का दबाव बना करके पैसा पहुंच गया और वो पैसा सब डूब गया। तो बताओ पैसा अगर डूबा तो किसका पैसा डूबा है? हमारा आपका पैसा डूबा है, ये पैसा किसी और का नहीं डूबा है, हमारा आपका पैसा डूबा है। तो DGP कौन बनेगा इस पर अखबार से लेकर के TV के लोग चर्चा करते थे, लेकिन आज TV और अखबार वाले सो रहे हैं या पता नहीं किस नशे में हैं, वो सवाल नहीं पूछ सकते। बताओ उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश, उसका जो DGP है वो कार्यकारी DGP है, एक गया कार्यकारी DGP, कार्यवाहक DGP, दूसरा कार्यवाहक आ गया। उत्तर प्रदेश में अगर एक दिन समाजवादी सरकार का DGP नहीं बनता था तो ये अखबार और TV और BJP के लोग उछलते थे, कूदते थे, न जाने क्या क्या कहते थे। पिछले कितने महीनों से कार्यवाहक DGP है, एक DGP कार्यवाहक दूसरे DGP कार्यवाहक, अभी तक कोई परमानेंट DGP नहीं है, और परमानेंट DGP नहीं है इसीलिए पुलिस भी अन्याय कर रही है, खुलेआम वसूली कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस, इतनी करप्ट सरकार, इतने करप्ट अधिकारी कभी नहीं आया होंगे जितने उत्तर प्रदेश में इस बार करप्ट अधिकारी आए हैं। जो लोग कभी नोएडा लूटते थे अब कानपुर लूटने आ गए, जो अधिकारी कानपुर से प्रमोशन में नोएडा भेजे गए थे, कानपुर से प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कहा प्रमोशन इसलिए मिला था कि कन्नौज हरा करके आपको नोएडा भेजेंगे,